नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली में राष्ट्रपदरी कला प्रदर्शनी के उद्घाटनी समारोह में किया संबोधन। स्वदेशी ज्ञान संभालन उत्साहित करन अते वर्तन की लोड़ ते दिता जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नवी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन। कहा कि औरतों में फूड प्रोसैसिंग सनत की अगवाई करने की समर्था मौजूद। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी कारण हो रहे फिल्म सनत के नुकसान नूं रोकण लई चुके कदम। आम आदमी पार्टी के संसदीय मैंबर राघव चड्ढा राज्यसभा के सभापति तो बिना शर्त मुआफी मंगण लई तैयार। केंद्रीय वणज ते सनअती राज मंत्री सोम प्रकाश ने गुरदासपुर विच केंद्रीय स्कीमां दा लिया जायजा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु तब्दीली ने भोजन अते पानी दी सुरक्षा बारे चिंतावां वधा दित्तियां ने अते इस मुद्दे नाल नजिठण लई ठोस कार्रवाई करन दी जरूरत है। उन्हां स्वदेशी ज्ञान नूं संभालण उत्साहित करन अते वरतन दी लोड़ ते वी जोर दित्ता। अज नवी दिल्ली में राष्ट्र पदरी कला प्रदर्शनी के उद्घाटनी समारोह में संबोधन करदिया राष्ट्रपति ने कहा कि यह यकीनी बनाया जाना चाहिए है कि जंगलात वल समाज में अधिकारा सही स्थान और मानता तो वांझे ना रहन। राष्ट्रपति अनुसार विश्व में बाघों की कुल आबादी का 70% हिस्सा भारत में पाया जाता है। टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय पार्कों के आले दुआले रहिंदे भाईचारों का भी इस प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। इस आयोजन द्वारा टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों तथा दोनों वन्य जीवों के संबंधों को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस के लिए मैं नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी और संकल्प फाउंडेशन की सराहना करती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह वर्ल्ड फूड इंडिया का दूजा एडिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डब्बा बंद खुराक सनत नाल जुड़िया अजिहा कोई खेतर नहीं है जिस विच भारत ने विलखण तरक्की दर्ज ना कीती होवे। यह खुराक खेतर नाल जुड़ी हर कंपनी हर स्टार्टअप लई सुनहरी मौका है। उन्होंने इस मौके पर स्वय सहायता समूहों मजबूत करने के उद्देश नाल 1 लाख तो वध SHG मैंबरां नूं बीज पूंजी सहायता वंडी। इस नाल उन्हां नूं बेहतर पैकेजिंग अते म्यारी मंडीकरण राही बाजार विच वधिया कीमतां प्राप्त करन विच मदद मिलेगी। सरकार वल्लों कीती जा रही इस मदद का सब तो वध फायदा औरतां नूं होवेगा जिन्हां विच खुराकी वस्तां नूं प्रोसैसिंग सनत की अगवाई करन दी सुभावक समर्था हुंदी है। फूड भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। अज की बदलती दुनिया में 21वीं सदी दियां सब तो वड्डियां चुनौतियां विचों एक खुराक सुरक्षा भी है। इस पक्षों वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन होर भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वाद अते टेक्नोलॉजी का यह फ्यूजन नवे भविख में सिरजेगा। इस नाल अर्थचारे को भी नवी रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में इस खेत्र ने FDI 50 करोड़ रुपए तो खिंचया है। यह भारत सरकार की सनत पक्षी और किसान समर्थक नीतियां का नतीजा है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23 9 सालों में प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड
भारत में संस्कृति के नाल खुराक विभिन्नता भी है जो दुनिया के निवेशकों लिए एक लाभांश वांग है। भारतीयों का खाण पीन पूरी तरह कुदरत के नियमों के आधारित है जो इस होरना देशों के मुकाबले विशेष बनाता है। 5 तरीक तक चलने वाले इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोग्राम का उद्देश भारत को दुनिया की खुराक की टोकरी के तौर पर प्रदर्शित करना है और इस साल अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज के वरे के तौर पर मनाना भी है। ये प्रोग्राम सरकारी कारपोरेशन सनती पेशेवर किसान उद्यमियों होरना धारकों के चर्चा में शामिल होने से साझेदारी समाप्त करन खेती खुराक के खेत्र में निवेश करन के मौके का पता लगाने लिए एक नैटवर्किंग व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। इस 80 तो वध देशों के 1200 तो वध विदेशी खरीददार शामिल हुए ने। इस नाल ही इस एक रिवर्स विक्रेता खरीददार मिलनी की भी सहूलत रखी गई है। सूचना के प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के कारण फिल्म सनत को हर वरे हो रहे 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान रोकने लिए वड्डे कदम चुके हैं। पार्लीमेंट के मानसूनी इजलास तो बाद संसद वालों सिनेमेटोग्राफ शोध कानून 1952 को पास करने तो बाद सूचना के प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने विचोलियां डिजिटल प्लेटफॉर्म से पायरेटिड समगरी हटाने के निर्देश देने नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। इंटरनेट के प्रसार अते लगभग हरेक व्यक्ति वालों मुफ्त में फिल्मी समगरी वेखण विच दिलचस्पी रखने कारण पायरेसी में तेजी वेखी गई है। हुण सरकारी कार्रवाई नाल पायरेसी के मामले में सूचना के प्रसारण मंत्रालय वालों तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी अते फिल्म सनत नूं राहत मिलेगी। इस बिल बारे संसद में केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस कानून का उद्देश फिल्म पायरेसी से रोक लगाने की फिल्म सनत की लंबे समय तो चली आ रही मांग पूरा करना है। सोध अनुसार पायरेसी लिए घट्टो घट 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपये तक के जुर्माने की सख्त सज़ा शामिल है जिसनों अग्गों 3 साल होर वधाया जा सकता है। देश और दुनिया भर में पायरेसी को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जाती है और ये माना जाता है कि भारत में 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होता है पायरेसी के कारण। और इसमें जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पर बड़ी हब्स हैं वहाँ पर भी अधिकारियों की नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इससे अब दंड देना भी आसान होगा क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 3 साल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संसदी मैंबर राघव चड्ढा राज्यसभा के सभापति तो बिना शर्त मुआफ़ी मंगने लिए तैयार हो गए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उनका मकसद किसी तरह भी संसद की माण मर्यादा घट कर नहीं सी। कोर्ट ने राघव चड्ढा ने कहा कि वह राज्यसभा सभापति मिलन उन्हों तो बिना शर्त मुआफ़ी मंगन। राघव चड्ढा सब तो घट उम्र के पहली बार संसदी मैंबर बने ने। अजिहे मामले में सभापति उन्होंने मुअत्तली से हमदर्दीपूर्ण ढंग विचार कर सकते हैं ताकि राघव चड्ढा की मुअत्तली खारिज कर राह मिल सके। इस दौरान राज्यसभा विशेष अधिकार समिति ने आज एक बैठक दौरान राघव चड्ढा की मुअत्तली से चर्चा की। कमेटी ने चड्ढा 7 नवंबर को हाजिर होने लिए कहा है। जिक्रयोग है कि राघव चड्ढा ने बिना इजाजत दे ही संसदी मैंबरों के नाम कमेटी लिए प्रस्तावित किए सन, जिस तों बाद उन्होंने राज्यसभा तो मुअत्तल कर दिया गया सी। भारतीय चोण कमिशन ने देश भर के स्कूलों दी क्लासां विच चोणां बारे जानकारी देने लिए सिक्ख्या मंत्रालय नाल एक समझौते ते दस्तखत किए ने। यह समझौता एक संस्थागत ढांचा विकसित करन दा प्रस्ताव पेश करता है जिस राही स्कूलों अते कालजां विच चोणां संबंधी सिक्ख्या दी जा सकेगी। इस तहत पाठक्रम सह पाठक्रम अते पाठक्रम तो बाहर दीआं गतिविधियां तैयार कीतीआं जाणगीआं। यह नवे वोटर पैदा करन अते लोकतंत्र विच उन्हां दी वध तों वध भागीदारी नूं यकीनी बनाउण विच मदद करेगा। इस समझौते दी मुख विशेषता 6वीं जमात तों लैके 12वीं जमात तक दे सारे स्कूलों विच चोणां संबंधी सिक्ख्या प्रदान करना है। इस संबंधी NCERT किताबां तैयार करेगी अते राज सिक्ख्या बोर्ड नूं उन्हां बारे सलाह देवेगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोम के दौरे दौरान इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी नाल व्यापक गलबात की। दोहां अगुआ ने भारत से हुई रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करन बारे चर्चा की। दोवें देश इस गल ते सहमत होए कि खेतीबाड़ी टैक्नोलॉजी नवाचार पुलाड़ रक्षा और डिजिटल खेत्र में वध रही संभावनावां की सार्थक वरतों करनी चाहिए है। गलबात तो बाद दोहां देशों ने मोबिलिटी और माइग्रेशन साझेदारी और सभ्याचारक सांझ नूं वधाउण बारे समझौतों पर भी दस्तखत किए। डॉक्टर जयशंकर ने इटली के रक्षा मंत्री गोइडो क्रोस्टे नाल मुलाकात भी की। केंद्रीय वणज अते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने अज गुरदासपुर के स्थानक पंचायत भवन विखे जिला विकास तालमेल अते निगरान कमेटी की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं कहा कि सरकार दीआं वख-वख स्कीमां नूं सुचारू ढंग नाल लागू किया जाए तां जो इन्हां स्कीमां दा लाभ संबंधित लाभपात्रियां तक पहुँचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों नूं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना से होर गंभीरता नाल काम करन दीआं हिदायतां दित्तीआं। उन्होंने कहा कि नौजवानों नूं स्किल डिवैलपमेंट की सिखलाई दे के उन्हां नूं स्वै रुजगार शुरू कर प्रधानमंत्री स्वै रुजगार स्कीम तहत बैंकों तो सबसिडी ले करजे दवाए जाण। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार दीआं चल रही वख-वख समाजिक योजनावां अते नैशनल हाईवे अथॉरिटी के कम्मां दा भी जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों नूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यां विच होर गंभीरता नाल काम करन दे निर्देश दिंदिआं कहा कि शुरू किए गए कम्मां नूं जल्द मुकम्मल करके उन्होंने वरतों सर्टिफिकेट भेजे जाण। सारिया स्कीमों बारे विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। बहुत सारिया स्कीम जीडिया चाहे नैशनल हाईवे दी हो चाहे दूसरिया स्कीम किसानों के नाल संबंधित हैल्थ नाल संबंधित सारिया रिव्यू की। टीचर ने जो कहा भी समय सिर पूरा कर लिया, इन्होंने कहा भी है कर किया भी है लेकिन होर इंप्रूव कर लिया। इन्होंने कहा आस करता कि अभी जी इस मंत्र ने स्कीम शुरू की लोगों तक पहुँचाई जाएगी और लोगों का वर्तमान जुड़े। त्यौहारों के चल रहे सीजन दौरान दुध और दुध तो बनिया वस्तुओं और मिठाइया की शुद्धता यकीनी बनाने लिए पंजाब फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दुध उत्पादन इकाइया वंड तंत्र परचून विक्रेतावां ते निगरानी तेज़ कर दिता है। पंजाब के सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच कहा कि मिलावटखोरी की समस्या नाल निजिठण अते म्यारी भोजन पदार्थों यकीनी बनाउण लई सूबे विच विशेष चैकिंग अभियान चलाउण वास्ते अंतर जिला टीमां तैनात कीतियां गईआं ने। उन्होंने दस्सिया कि मुहिम दौरान हुण तक अक्तूबर महीने विच जांच लई 934 नमूने लए गए जिन्हां विच वख-वख तरह दीआं मिठाइयां सुके मेवे अते वख-वख खाण वालीआं वस्तुआं दे नमूने शामिल ने। उन्होंने कहा कि राजकोट लैबोरेटरी तो जांच रिपोर्ट मिलण मगरों उलंघना करन वालिआं नूं अदालत विच पेश करके अगली कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। डॉक्टर बलबीर ने राज दे लोकां नूं सेहत सुरक्षा संबंधी सुचेत रहन अते किसे भी दुकान ते मिलावट दा शक होण ते रिपोर्ट करन लई कहा। फाजिलका पुलिस ने अतवादी हमले की एक वड्डी साजिश नाकाम करन विच सफलता हासिल की है। पुलिस ने ड्रोन राही पाकिस्तान तो मंगवाए हथियार बरामद किए ने जिस विच 5 पिस्तौल 2 मैगजीन अते 23 जिंदा कारतूस शामिल ने। इस मामले विच पुलिस ने 10 व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज करके 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे जानकारी दिंदिया जिले के SSP मनजीत सिंह ढेसी ने कहा कि फाजिलका पुलिस वालों ऑपरेशन सील चलाया गया सी जिस दौरान पंजाब राजस्थान बार्डर से नाकाबंदी दौरान गुरदासपुर के रहने वाले 2 व्यक्तियों को काबू किया गया है जिन्हों को ये हथियार बरामद हुए हैं। पठानकोट पुलिस ने पंजाब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में चल रहे क्रिकेट विश्व कप नाल जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस वालों इस गिरोह के 8 मैंबरों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने 11,50,000 रुपए की नकदी 8 मोबाइल और लग्जरी कारा बरामद की गई ने। पुलिस वालों इन खिलाफ़ केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है। मलेरकोटला विच नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सलाहकार हुसन लाल अते जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पल्लवी ने दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस वे प्रोजेक्टा की स्थिति का जायजा लैंदिया अधिकारियों नूं मुआवजे के केसा का जल्द निपटारा यकीनी बनाउण दीआं हिदायतां दित्तियां तां जो इन्हां प्रोजेक्टा विच देरी तो बचिया जा सके। उन्हां एक्वायर की जमीन के मुआवजे की जल्द तो जल्द वंड करन ते जोर दिता। उन्होंने अधिकारियों नूं एकजुट होकर काम करने लिए कहा तां जो ट्रैफिक जाम नूं घट करन सैर सपाटे नूं उत्साहित करन सड़क सुरक्षा अते रुजगार के मौकियां विच दे तो इलावा आर्थिक गतिविधियां नूं हुलारा मिल सके। कौमी राजधानी दिल्ली तो बाद हुण हरियाणा ते पंजाब विच भी कई थावां ते आबो हवा जहरीली हो रही है। पंजाब विच कल कई थाई
ते क्यू आई खराब अते बहुत ही खराब श्रेणियां विच दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अंकड़िया मुताबक पंजाब के बठिंडा विखे एयर क्वालिटी इंडैक्स 303, मंडी गोबिंदगढ़ 299, खन्ना 255, जलंधर 220, लुधियाना 214, अमृतसर 166 दर्ज किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेडों में पहली बार शामिल हुई गतका की खेड नू लेके खिडारियों ते दर्शकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खेड नाल जुड़े खिडारियों नू आस है कि आने वाले समय में गतका अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अपनी पछाण बनाने में सफल होगा। गतका सिखां दी एक रवायती युद्ध कला है। मौजूदा सिखां दे धार्मिक मेलों में इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय मार्शल आर्ट गतका नू खेड की मानता प्रदान कर दी है। इस खेड की कला ने स्टेडियम में मौजूद सारे लोगों का ध्यान अपने वल खिंचा। गोवा के स्कूली बच्चे भी इस खेड नू देखने लई पुजे। प्राउड हो रहा है हमको कि हमारे गोवा में नेशनल गेम्स हो रहा है, इसलिए आई हैड कम फर्स्ट टाइम टू सी नेशनल गेम्स। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट नेशनल गेम्स आर इन आवर गोवा, बट आई एम एक्साइटेड टू सी एंड आई विल लाइक टू प्ले आल्सो। गतका की खेड दौरान खिडारियों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। खिडारियों ने कई बार इस दौरान सट्टा भी वजिया। फैडरेशन नाल जुड़े अधिकारियों का मानना है कि रवायती खेडों का मुख्य खेडों में शामिल होना भारत की रवायती खेड धरोहर को समुची दुनिया सामने रख रहा है। इसलिए उन्होंने वालों केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है कि पिछले समय से 4-5 साल से जितना फास्टली हमने गतके को आगे लेके गए हैं। बींग ए जनरल सेक्रेटरी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी ये गेम खेलो इंडिया में आ चुका है, इस बार थर्ड टाइम खेला जाएगा खेलो इंडिया में। एंड दिस ईयर हमने SGFI में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में इसको इंक्लूड करवा दिया है। नेशनल में इस बार डेमो बेस पे है, डेफिनेटली अगले साल ये मेडल टैली में आ जाएगा। तो अगला टारगेट हमारा एशिया कप और वर्ल्ड कप का है। खिडारी भी इस खेड नू हरमन प्यारा बनाने लई लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्हों का मानना है कि यह खेड सिर्फ आत्म रख्या लई ही नहीं जरूरी बल्कि इस खेड नू ओ अपना पेशा भी बना सकते ने। गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में काम करना प्लेयर को एक सम्मान देता है, उन फेडरेशन को भी सम्मान देते हैं। और क्योंकि हम मतलब पूरा स्पोर्ट्स वाइज चलते हैं और इस चीज को भी मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड लगता है कि दिल्ली ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है। पंजाब ओलंपिक्स में भी गतका रजिस्टर्ड है, ट्रेडिशनल गेम में रजिस्टर्ड है। और क्योंकि अब अगर हमने ऑल इंडिया तक पैर जमा लिया है तो यहाँ पर भी ये गेम एक ट्रेडिशनल लिस्ट में आई है, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। गोवा में नेशनल हुआ हमारा, हमको इसकी बहुत खुशी है। हमने इसका एक महीने कैंप लगाया, कैंप लगाने के बाद जो हमने जितनी प्रैक्टिस की है सब बच्चों ने एक महीने कैंप लगाया। कैंप लगाने के बाद जितने यहाँ पे सबने प्रैक्टिस किया उतने उनको फल मिलना है, मेहनत सबकी पूरी है। यहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा कि अदर स्टेट के बच्चे भी गतके को बहुत प्यार करते हैं। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और एक्स से भी देख सकते हैं। तो इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार। We'll be right back.